बात कर लेते हैं। बड़ी खबर राजसमंद से है, जहां पर पुलिस ने अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को 4 घंटे के अंदर खोज निकाला है और साथ में उस बच्चे को चुरा कर ले जाने वाली महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। कमला नेहरू अस्पताल से आज सुबह ही 2 दिन का नवजात चोरी हुआ था। राजसमंद में चोरी हुए बच्चे को 4 घंटे में राजसमंद पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुंवरिया क्षेत्र के भगतपुर से बरामद हुआ है बच्चा। कुछ देर में राजसमंद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। कमला नेहरू अस्पताल से आज सुबह ही 2 दिन का नवजात चोरी हुआ था, तो ये बड़ी खबर। राजसमंद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। कुंवरिया क्षेत्र के भगतपुर से बच्चे को भी बरामद कर लिया गया है। कुछ ही देर में राजसमंद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। कमला नेहरू अस्पताल से आज सुबह 2 दिन का नवजात चोरी हो गया था। राजसमंद में चोरी हुए बच्चे को 4 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ निकाला है। राजसमंद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर राजसमंद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजसमंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 घंटे के अंदर चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कमला नेहरू अस्पताल से आज सुबह ही 2 दिन का नवजात चोरी हुआ था। राजसमंद में चोरी हुए बच्चे को 4 घंटे में पुलिस ने ढूंढ निकाला है। राजसमंद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुंवरिया क्षेत्र के भगतपुर से बच्चे को पुलिस ने बरामद किया है और कुछ ही देर में राजसमंद पुलिस इस मामले का खुलासा भी करेगी। कमला नेहरू अस्पताल में आज सुबह 2 दिन का नवजात चोरी हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे राजसमंद से संवाददाता तरुण जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तरुण, इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 घंटे के अंदर मासूम को ढूंढ निकाला गया है। क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, इस पूरे मामले का खुलासा कब तक पुलिस करेगी? देखिए, प्रारंभिक तौर पर राजसमंद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और जिसके तहत केवल 4 घंटे की मशक्कत के दौरान 4 थानों की पुलिस जाब्ता सीओ राजसमंद और एडिशनल एसपी एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। कुंवरिया थाना क्षेत्र के भगतपुरा से इसे डिटेन किया गया है और प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया, ये महिला का जो बराबर बीमार थी और इसका गर्भपात हो जाता था, जिसके कारण से वो पुरानी परिधि में चलते इसने बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है, ये महिला पिछले कुछ 1.5 महीने से राजसमंद जिला मुख्यालय पर रहकर रेकी कर रही थी कि कहां से बच्चा चोरी किया जा सकता है। जिला अस्पताल में कई सुरक्षा व्यवस्था के चलते इसने सिटी डिस्पेंसरी को चुना और 2 दिन इस अस्पताल में रेकी करने के बाद आज सुबह इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जो है पुलिस ने बच्चे को जो है उसकी मां को सौंप दिया है और उसकी मेडिकल जांच की गई। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और हाल फिलहाल जो है अग्रिम जो जानकारी मिल पा रही है, ये महिला भगतपुरा की रहने वाली है और ये एक घुमक्कड़ जाति से है जो अलग अलग जगह जाते हैं और पिछले 7 साल से इस महिला का उपचार चल रहा था, जिसके चलते इसने आज ये वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल तरुण, कमला नेहरू अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है जहां से 2 दिन का नवजात चोरी हुआ था। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये घटना कहीं ना कहीं कमला नेहरू अस्पताल की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पिछले 2 दिन से जो है सीसीटीवी कैमरे बंद है और ऐसी सूरत में से वारदात होने के बाद इस बात का खुलासा किया जाता है, जबकि जिम्मेदारी यह बनती है कि सीसीटीवी को बराबर दुरुस्त रखा जाए ताकि ऐसी वारदातों के समय इनका सही उपयोग हो सके। लेकिन अब इस पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो है बच्चा बरामद होने के बाद अस्पताल प्रशासन का कहना है कहीं ना कहीं अज्ञानता और अशिक्षा के चलते महिला ने एक अनजान महिला को अपना जो है पीड़िता ने अपना बच्चा सौंप दिया था और उसने वजन कराने के नाम से लिया था कि आज महिला को जो प्रसूता महिला है उसको आज छुट्टी होनी थी अस्पताल से और उसने वजन कराने के लिए ये लिया था कि बच्चे को अस्पताल में वजन कराने ले जाया जा रहा है और उसी दौरान ये लेकर फरार हुई थी, जिसे लेकर के अब जो पीएमओ है डॉक्टर भूपेश बरतानी, उन्होंने सख्त निर्देश दिए और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल तरुण, फिलहाल प्रशासन की तरफ से जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ में क्या कोई और खुलासे हुए हैं? देखिए, अभी कुछ मिनटों पहले ही जो है महिला को यहाँ लेके अस्पताल में आए हैं और जो प्रसूता है उससे बच्चे की पहचान कराई गई है। जी, और जो जिस तरह से महिला ने कुछ देर में हम ये सारी वारदात का खुलासा राजसमंद पुलिस अधीक्षक करेंगे और उसके बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। जी ठीक है तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।